कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर मांगीलाल गराशिया ने दाखिल किया नामांकन। नामांकन से पहले निकली रैली, रैली में जुटे क्षेत्र के हजारों समर्थक। नामांकन के बाद किया जनसभा का आयोजन। चुनाव प्रभारी अविनाश झा, पीसीसी महासचिव लाल सिंह जाला, पूर्व राज्य मंत्री जगदीश राज श्रीमाली व देहात जिला कचरूलाल चौधरी सहित मौजूद रहे कई पदाधिकारी। नमस्कार, मैं लखन सालवी, आप देख रहे हैं डेली राजस्थान। 2 नवंबर को कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर मांगीलाल गराशिया ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन के दौरान देहात जिलाध्यक्ष कचरूलाल चौधरी, सायरा प्रधान सवाराम गमेती, देवला मंडल अध्यक्ष निकाराम गराशिया वे एडवोकेट कुंदन सोनी साथ में मौजूद रहे। सुबह 10 बजे से ही विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न गांवों के लोग महाराणा प्रताप सर्किल पर एकत्र होने लगे। दोपहर 12 बजे तक यहां हजारों की संख्या में भीड़ हो गई। चुनाव प्रभारी अविनाश झा, पीसीसी महासचिव लाल सिंह जाला, देहात जिलाध्यक्ष कचरूलाल चौधरी, उपाध्यक्ष नारायण पालीवाल, महामंत्री प्रहलाद सिंह जाला, ब्लॉक अध्यक्ष राम सिंह चलाना व भुवनेश व्यास सहित कांग्रेस पदाधिकारियों के साथ डॉक्टर मांगीलाल गराशिया ने हनुमान मंदिर में दर्शन किए। इसके बाद प्रताप सर्किल से पुरोहितों के खेत तक विशाल रैली निकाली गई, जिसमें हजारों महिला पुरुष शामिल थे। यहां से एक प्रतिनिधि मंडल के साथ डॉक्टर गराशिया नामांकन प्रस्तुत करने के लिए एसडीएम कार्यालय में पहुंचे और निर्वाचन अधिकारी हनुमान सिंह राठौर के सामने नामांकन पत्र प्रस्तुत किया। इसके बाद वे सभा स्थल पर पहुंचे। जनसभा को संबोधित करते हुए पीसीसी महासचिव लाल सिंह जाला ने मुख्यमंत्री द्वारा बताई गई योजनाओं को जन कल्याणकारी बताते हुए कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र के बारे में बताया। कांग्रेस पार्टी का निर्णय है, कांग्रेस पार्टी में हर आदमी का अधिकार है। जो कांग्रेस पार्टी में काम करेगा, मेहनत करेगा, टिकट मांगने का अधिकार है। कोई बने दुनिया की ताकत नहीं रोक सके, हर आदमी का अधिकार है। आला कमान निर्णय करे, पार्टी निर्णय करे, जबकि पार्टी निर्णय कर ले सर्वमान्य निर्णय है। आप लोगों ने मालूम लेना चाहे वहां जगदीश राजी सिरमाली भाषण दे रहा, वहां खुद टिकट वाला दावेदार रहा, रात दिन दिल्ली में मेहनत की थी, दौड़िया जगदीश राजी ने टिकट नहीं मिलो तो जगदीश राजी नाराज नहीं है, मांगी लाजी भाषण दे रहा। मुखुद पिछली बार मांगू टिकट मांगियो कांग्रेस पार्टी हूँ, टिकट नहीं मिलियो, बट अब भी पूरी ताकत हो आप लोगों का काम तो घर बैठ नहीं किया। आपने कांग्रेस पार्टी सम्मान दे, लाल सिंह जाला 20 साल अध्यक्ष है, 21 साल कांग्रेस पार्टी की देन है। लाल सिंह जाला की औकात कांग्रेस पार्टी की देन है, लाल सिंह जी जाला की औकात कांग्रेस पार्टी की देन है। आज ही नेता बेटा है मांगी लाल जी गराशिया है, कांग्रेस पार्टी की देन है। कांग्रेस पार्टी हर आदमी ने कहीं कहीं डरे, कोई ब्लॉक अध्यक्ष से हित देगा, प्रधान बनाएगा, प्रमुख बनाएगा, जिला परिषद बनाएगा, पंचायत सदस्य बनाएगा, सरपंच साहब बनाएगा, कांग्रेस पार्टी देने। आप लोगों ने भूलो नहीं चाहे कि कांग्रेस पार्टी ने भूल जावा, टिकट नहीं मिलियो नाराजी देगा, टिकट तो माँ भी लोग मांगा है, 25-25, 30-30 साल काम करिया, माने मन में नाराजगी नहीं है। क्यों नाराजगी नहीं है? कांग्रेस पार्टी आला कमान निर्णय करे, आला कमान निर्णय करेगा सर्वमान्य है। आपकी हैसियत, आपकी औकात, आपकी ताकत आला कमान बढ़ी है, कांग्रेस पार्टी बढ़ी है। आपने अपनी पार्टी में रहने काम करना है, आप लोगों ने पूरी ताकत झोंकनी है, मेहनत करनी है, मेहनत रिजल्ट आएगा, परिणाम आएगा। लोगों ने कोई नाराजगी है, तकलीफ है, लाल सिंह जाला आपके घर आएगा, बैठ के बात कराऊंगा, चर्चा कराऊंगा। कोई मांगी लाल जी तकलीफ है और अपने बताओ, मैं आपके घर आऊंगा, बैठ के कराऊंगा, चर्चा कराऊंगा। नया लड़ी लाल सिंह जाला रही है, नया लड़ी मांगी लाल जी गरा शहरी है, या देश की लड़ाई है, कांग्रेस पार्टी लड़ाई है। राहुल जी अपना नेता है, पूरी ताकत लड़ी लड़ रहा है, देश प्रधानमंत्री राजस्थान का मुख्यमंत्री पूरी ताकत लड़ी लड़ रहा है, या वह लड़ी है, या लाल सिंह जाला मांगी लाल जी गरा शहर नहीं, देश की लड़ाई है, राज्य लड़ाई है, राज्य में लोगों ने लाभ मिलना चाहे, राजस्थान में उधार दे, राजस्थान का मुख्यमंत्री काम किया है, वन्य बातें वोट देना है, राजस्थान का मुख्यमंत्री पूरी ताकत मेहनत जी वादा किया है, सारा किया है। आज अपनी बारी बने मुख्यमंत्री, आप धर्म निभाओ, आज अपनी बारी बने आप धर्म। मुख्यमंत्री ने हाथ पे निशान पे वोट लगे, 25 तारीख जीतेगा। जनसभा में चुनाव प्रभारी अविनाश झा ने पांडाल की ओर से डॉक्टर मांगीलाल गराशिया को जीत की फूलमाला पहनाई। सभा को पूर्व राज्य मंत्री जगदीश राज श्रीमाली ने भी संबोधित किया। सरकार आ रही है, मैं राजस्थान की चुनाव संचालन कमेटी के 21 लोगों में एक मुझे लिया मेवाड़ से। मैं हर विधानसभा में जा रहा हूं, मैं हर जगह लोगों के चेहरे देख रहा हूं, हमारी सरकार आ रही है। अशोक गहलोत जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए जनता बेताब है और आपके मांगीलाल जी गराशिया वापस मंत्री बनेंगे। जब ये श्रम मंत्री थे, मजदूरों के लिए इन्होंने जो काम किया वो राजस्थान के इतिहास गवाह है।
51,000 रुपए गरीब बच्ची की शादी के, मजदूरों को 3,00,000 साइकिलें बंटवाई, मकान, छात्रवृत्ति, प्रसूति, अंत्येष्टि, मुआवजा, ये सब काम मांगीलाल जी गराशिया ने किए। ऐसे नेता जो मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, गरीब के लिए, आदिवासी के लिए हमेशा सोचता है, और आप तो भाग्यशाली हो कि आपको तो दो दो नेता मिले हैं, लाल सिंह जी झाला और मांगीलाल गराशिया। और आपके 10 साल में भारतीय जनता पार्टी वालों से पूछना चाहता हूं, उन्होंने क्या काम कराया? एक काम नहीं बता सकते, सिर्फ यह काम किया कि गोगुंदा जो राज तिलक स्थली महाराणा प्रताप, जहां लोग इसकी धरती को पूजा करने आते हैं नमन, उस धरती को कलंकित किया भारतीय जनता पार्टी के एमएलए, पूरे राजस्थान में मतदान किया, लोगों की नजरें बंद हो गई, वो सामने विधायक आ जाए तो महिलाएं आंखें बंद कर देती, ऐसा काम करने वाला एक तरफ वो, और एक आदिवासी का बेटा झोपड़ी में पैदा हुआ, 15 किलोमीटर पैदल पढ़ने जाता और डॉक्टर की उपाधि लेकर मांगीलाल गराशिया डॉक्टर मांगीलाल गराशिया बनता, एक तरफ उसका और एक तरफ इसका, दोनों का फैसला आपके सामने, चाल चरित्र और चेहरा ये देख लीजिए और फिर फैसला कीजिए। जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर मांगीलाल गराशिया भावुक हो गए, देखिए क्या कुछ कहा उन्होंने। डॉक्टर मांगीलाल गराशिया, 2 बार चुनाव हार गया, 10 वर्ष हो गए, तो मैं आपसे प्रार्थना करने के लिए आया हूँ कि भाई 10 वर्ष जो सेवा करने के बाद में, क्योंकि डॉक्टर मांगीलाल गराशिया को कल कारखाना नहीं चल रहा, फैक्ट्रिया नहीं चल रही है, कोई ऐसा काम नहीं है जो मैं आपके साथ में संघर्ष कर सकूं, पैसा एक झोपड़ी में रहने वाला आदमी के बाद में पैसा कहाँ इतना बनता है, परंतु आप लोगों की सेवा करने में 10 वर्ष में कोई कमी नहीं छोड़ी, और नहीं छोड़ने के साथ में भी लगातार 10 वर्षों में सेवा धर्म निभाने का काम हमने पूरी तरह से भक्ति और शक्ति के साथ में हमने पूरा किया, और 10 वर्षों की आपकी सेवा करते हुए भी कोई कमी बेसी हो गई होगी, मेरी गलती हो गई होगी, हो सकता है मैं मेरी गलती से हारा, मुझे मालूम नहीं पड़ा मेरी गलती क्या रह गई, मैं विचार कर रहा था कि 10 वर्षों में किस तरह से हारने का काम हुआ, कोई भाई मुझे एक गलती बता दे मैं स्वीकार कर लूं, कोई भाई गलतियां बता दे मैं राजनीति छोड़ने के लिए तैयार हूं, और आज तो मैं कहने के लिए आया हूं, आज मुझे बड़ी तकलीफ और पीड़ा है इस बात कि 10 वर्ष सेवा करते हुए कहीं कमी बेसी रह गई, मैं आपसे सबसे हाथ जोड़ करके माफी मांगता हूं कि किस तरह से गलती रह गई। दूसरा सबसे कह रहा हूं कि मैं गलती रह गई हो तो मैं ये छापा उतार करके आपके सामने रखता हूं कि इस ऊपर गलती रह गई, मैं भी नहीं सुना, मैं इसलिए ये बात कर रहा हूं कि श्रीमान मैं इतने भाइयों के बीच में निवेदन कर रहा हूं, गलती का क्या एहसास हो गया क्या नहीं हो गया, इस बार मैं पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि सफाई अगर मेरी गलती नहीं हुआ इस बार में मुझे आशीर्वाद देने का काम सब करेंगे तो ठीक रहेगा, मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ कि सेवा में कमी नहीं, मैं निवेदन इस रूप में भी नहीं, मैं आप सबसे कहूंगा कि इस बार में यदि आपने वोट दिया सब शासन आशीर्वाद रखा तो आने वाले वक्त में आप सबसे इज्ञत दिलाना चाहता हूँ कि आपके एक एक वोट का कर्जा विकास के रूप में करके पूरा करने में कमी नहीं छोड़ेंगे, मैं निवेदन करना चाहता हूँ। नाव को चलाने वाले भी आप है, नाव को डुबाने वाले भी आप है, और सफाई आप है तो फिर बाद में मुझे किस बात की चिंता, और यदि फिर भी कोई ऐसी बात हो साहब मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आपने यदि आप मुझे कह दे ये मुझे जीत की माला पहनाई है जा साहब, आप लोग अगर मुझे कह दे कि भाई जीत की माला इनको वापस दे तो मैं जीत की माला वापस दे देता हूँ, मुझे कोई एतराज नहीं, इसलिए मैं ये कहने के लिए आज खड़ा हूँ, आप लोग अगर कह दे कि भाई जीत की माला दे दो मंत्री जी कोई ऐसी बात नहीं, मैं सेवा धर्म फिर भी निभाऊंगा, आपके बीच में आप लोगों ने मुझे एहसास के रूप में किया है, सेवा धर्म में किसी तरह की कमी नहीं आएगी, और आप कह देते कि सेवा धर्म में कमी है माला वापस दे दो, मैं जा साहब आपका माला समर्पण कर रहा हूँ, बोलो आपके क्या इच्छा है, आपका ये गांव डानी एरिया में आप तय कर लें कि हम आत्मीयता के साथ में जला साहब और हम सब मिलकर के आपके साथ में खड़े रहेंगे, पर मैं आप सबसे प्रार्थना करने के लिए खड़ा हूँ कि हमारे नौजवान भाई माता बहने हमारे यहाँ पर जितने भी वरिष्ठ नेता बैठे से प्रार्थना करूंगा कि आप अपनी कमान संभाले, और जब जब भी कमान संभाल करके आप आशीर्वाद रखने का काम करेंगे तो विजय हो पाएगा, ऐसी विजय नहीं हो पाएगी, मैं आप सब भाई बहनों का आशीर्वाद और धन्यवाद मैं ले रहा हूं, जाला साहब हम ले रहे हैं आपका आशीर्वाद भी ले रहे हैं, आपका जो धन्यवाद भी ले रहे हैं, परंतु अच्छे मायने में धन्यवाद और आशीर्वाद तब हम स्वीकार करेंगे कि आप जीता करके राजस्थान की विधानसभा में भेजोगे तब स्वीकार करेंगे, आने वाले समय में हमें
बहुत से सपनों को साकार करना है, विकास की गति को आगे बढ़ाना। यदि विकास की गति आप लोगों के आशीर्वाद होगा तब डॉक्टर मांगीलाल गरासिया की कलम में ताकत आएगी, और आशीर्वाद नहीं होगा तो मांगीलाल गरासिया की कलम में ताकत नहीं आएगी। एक तरफ वो व्यक्ति है जो डॉक्टर मांगीलाल गरासिया आपके साथ में आत्मीयता से खड़ा होकर के सेवा धर्म निभाने की बात कर रहा है, और एक तरफ वो व्यक्ति है जिन्होंने महाराणा प्रताप की धरती को कलंकित करने का काम किया। एक तो वो प्रताप, एक यहाँ का विधायक वो प्रत्याशी है जो प्रताप है, जिन्होंने हमारे विधानसभा का नाम कलंकित करने का काम किया। फैसला आपके हाथ में है, क्या करना क्या नहीं करना, मैं आपको निवेदन यही करूँ। सभा को चुनाव प्रभारी अविनाश झा, देहात जिलाध्यक्ष कचरूलाल चौधरी, सायरा प्रधान सवाराम कमेटी, गोगुंदा की पूर्व प्रधान तुलसी मेघवाल, गुलाब सिंह राव, जिला परिषद सदस्य कामिनी गुजर सहित कई पदाधिकारियों ने संबोधित किया। इस दौरान फुटबॉल संघ के जिलाध्यक्ष अभिमन्यु सिंह जाला, हरि सिंह जाला, सायरा उप प्रधान भारत सिंह, इसवाल मंडल अध्यक्ष नागेंद्र सिंह, रामेश्वर चौधरी, चैन सिंह चदाना, पूर्व सरपंच करण सिंह जाला, उप सरपंच लाल कृष्ण सोनी, हीर सिंह मादरेचा सहित कई कांग्रेस जन मौजूद थे।